तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे नवोदय विद्यालय एनबीएस के द्वारा दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों आपको ये वीडियो थंबनेल मिल जाएगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके संबंध में दोस्तों आपको यहाँ पर हमारे द्वारा वैकेंसी की जानकारी, वैकेंसी कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा दोस्तों एग्जाम पैटर्न, इसके अलावा सिलेबस सारी जानकारी दे चुके हैं दोस्तों। इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि एलडीसी की पोस्ट है, इसके अलावा दोस्तों स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर अटेंडेंट और भी बहुत सारे पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसके लिए हमारे द्वारा एग्जाम डेट भी बताई गई है, आपकी एग्जाम डेट भी इनके द्वारा डिसाइड की गई है, आपके मार्च में यहाँ पर एग्जाम होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी हमारे द्वारा वीडियो डाला गया है इन सारी पोस्ट के लिए। अब हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बताएंगे कि इन सारी पोस्ट पर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, किस किस पोस्ट के लिए किस प्रकार का एग्जाम होगा और किस प्रकार का स्किल टेस्ट रहने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको यह जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, अब यहाँ देख लें असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए आपका यहाँ पर सीबीटी होगा, सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका इंटरव्यू भी आपका होने वाला है। इन दो क्राइटेरिया को रखा है आपके असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। इसके अलावा अगली बात करें असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, तो दोस्तों इसके लिए भी आपका सीबीटी होगा, इसके अलावा दोस्तों इसका इंटरव्यू होगा। इसके सीबीटी के बारे में जो जानकारी है वो सारी हमारे द्वारा सिलेबस वाले वीडियो में दे चुके हैं, आप जानकारी लेना चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स, इसके लिए दोस्तों यहां पर आपका सिर्फ एक सीबीटी होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा। इसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपका जो स्टाफ नर्स से संबंधित जो पोर्सन है वो दोस्तों यहाँ पर आई थिंक 50 या 60 नंबर का यहाँ पर आता है, वो एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगली पोस्ट देख लेते हैं। अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपका सिर्फ एक सीबीटी होगा, सिर्फ एक पेपर और आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपको पुराने वीडियो में दे चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका ऑडिट असिस्टेंट जो जिसमें कि बीकॉम मांगा गया है, इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही सीबीटी होने वाला है, एक ही सीबीटी होने वाला है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक महत्वपूर्ण और बड़ा वेटेज लेकर यहाँ पर पेपर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपका जूनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए भी दोस्तों सिर्फ एक सीबीटी ही होने वाला है और इस एक सीबीटी को ही यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें कि आपको ट्रांसलेशन से संबंधित 15-15 नंबर के दो पोर्शन, 25-25 नंबर के दो पोर्शन पूछेंगे, वो ही यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा आपका जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर में दोस्तों यहाँ पर आपसे सीबीटी तो होगा ही होगा, इसके अलावा यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो इन दोनों क्राइटेरिया को यहाँ पर पार करना होगा आपके सिविल इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है इसके लिए। इसके अलावा दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके स्टेनोग्राफर के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए आपका यहाँ पर सीबीटी होगा, इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपसी स्टेनोग्राफी कराई जाएगी, इसके अलावा टाइपिंग स्पीड भी चेक करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सिर्फ आपका एक सीबीटी होगा, यहाँ पर कोई भी टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट नहीं ली जाने वाली है, यहाँ पर सिर्फ एक सीबीटी होगा और कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर आई थिंक 50 या 60 नंबर का यहाँ पर पोर्शन है, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें, तो कैटरिंग असिस्टेंट में भी सिर्फ दोस्तों एक ही सीबीटी रखा गया है, सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम रहेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर फूड और न्यूट्रिशन से संबंधित जो क्वेश्चन पोर्शन है वो आई थिंक 60 नंबर का यहाँ पर पोर्शन है और वो यहाँ पर मैं डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा, उसमें जो है दोस्तों आपको नंबर खींचने होंगे। इसके अलावा बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो दोस्तों इसके लिए आपका सीबीटी होगा, इसके साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग स्पीड इसमें कम ही मांगते हैं दोस्तों, इंग्लिश में 30 मांगी गई है, हिंदी में 25, तो दोस्तों इसे आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट जेएनबी वाली और यहां पर हेडक्वार्टर वाली दोनों में दोस्तों एक ही क्राइटेरिया रहेगा, आपका सीबीटी होगा, इसके बाद टाइपिंग होगी। इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसको एक बार जरूर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, सीबीटी के साथ बाद दोस्तों यहाँ आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन से संबंधित होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, तो लैब अटेंडेंट में दोस्तों सिर्फ एक सीबीटी होगा, सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम और इसमें यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगली पोस्ट की बात करें, तो अगली पोस्ट है आपकी मैथ्स हेल्पर के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका सीबीटी होने वाला है, इसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपसे यहाँ पर हो सकता है बनवा के देख लें कुछ जो कि मैथ्स से संबंधित हो,
इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी सिर्फ दोस्तों यहाँ पर CBT एक ही होगा, सिर्फ एक ही पेपर और आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आई थिंक दोस्तों यहाँ पर आप सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर समझ चुके हैं। एक बार और आपको रिव्यू दे दें कि दोस्तों यहाँ पर आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन और जूनियर इंजीनियर, इन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर CBT होगा और आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों आपका फीमेल स्टाफ नर्स, इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा कैटरिंग असिस्टेंट, इसके अलावा लैब असिस्टेंट, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सारे के लिए यहाँ पर CBT सिर्फ एक ही होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो पोस्ट है बाकी बची वाली उनके लिए दोस्तों जैसे स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNB वाली, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसके अलावा मैस हेल्पर, इन सारी पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका CBT तो होगा ही। इसके साथ या तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, या टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इन तीनों में से कुछ भी लिया जाने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों आपका सिलेक्शन पोर्शन रहने वाला है। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो हमें क्वेरी है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।